हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज के इस टॉप 10 काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में जो कि एक्चुअल में सितंबर 2021 की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से गिनी जाती हैं। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में आज के इस टॉप 10 काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी ब्लॉग वीडियोस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे ब्लॉग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्लॉग चैनल में जाने के लिए ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, नकाब। दोस्तों, ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि मिस्टीरियस और थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस से और कंप्लीट वेब सीरीज में इसी मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वेब सीरीज में लास्ट तक पुलिस इस मर्डर केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, इवन इस मर्डर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये भी रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है एमएक्स प्लेयर पर एंड रिलीज होती है 10 में 5। नंबर 9, हाय तौबा सीजन 3। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज के टोटल 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड्स में आपको नए नए कैरेक्टर और नए नए कहानियां नजर आने वाली है। वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि रोमांटिक ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई है ALT बालाजी पर से एंड रिलीज होती है 10 में 3.9। नंबर 8, एक थी बेगम सीजन 2। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है या फिर कह सकते हैं कि ये कंप्लीट वेब सीरीज एक्चुअल में आसिफ के लाइफ के ऊपर बनाई गई है। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है या फिर कह सकते हैं कि यह कंप्लीट वेब सीरीज एक्चुअल में सपना के कंप्लीट लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह उनके शौहर को कुछ क्रिमिनल्स मार देते हैं और वो अपना रिवेंज उन क्रिमिनल से किस तरह लेती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है MX प्लेयर पर एंड रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 7, क्राइम स्टोरी इंडियन डिटेक्टिव सीजन 1। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी में बहुत सारे एपिसोड्स ऐड किए गए हैं और हर एक एपिसोड्स में आप नए नए केसेस को सॉल्व होते हुए पाएंगे और ये सारी की सारी केसेस एक्चुअल में रियल लाइफ से ली गई है, यानी कि सारी की सारी केसेस एक सच्ची घटना से ली गई है और इन्हीं डिफिकल्टीज से भरे हुए केसेस को हमारी पुलिस ऑफिसर्स किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर एंड रेटिंग दी है 10 में 7.5। नंबर 6, मिडनाइट मास। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ऐसे इंसान से जो कि एक्सीडेंट में अपनी पत्नी को खो बैठता है, लेकिन उसी दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और वो एक प्रिस्ट बन जाता है। प्रिस्ट बनते ही वो एक विलेज में विजिट करता है, लेकिन वहां पर विजिट करते ही उसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें नजर आती है, जैसे कि उस गांव में बहुत सारे एनिमल्स यूं ही मरना शुरू हो जाते हैं। इस डेथ के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी मिस्ट्री को कंप्लीट वेब सीरीज में रिवील करने की कोशिश की जाएगी। वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एकदम डिफरेंट बनाई गई है, इवन इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर एंड रेटिंग देती है 10 में 7.9। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 5, सेक्स एजुकेशन सीजन 3। वेब सीरीज बेस्ड है टीनेज कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी आपको फिर से हाई स्कूल ले जाती है और हाई स्कूल में जाते ही आपको पता चलने वाला है इस बार कि वो टीनेजर्स जो कि अभी बड़े हो चुके हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह हैंडल करते हैं और वो अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से किस तरह बाहर निकलते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर एंड रेटिंग देती है 10 में 8.3। वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 4, लूसीफर सीजन 6। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वेब सीरीज के हर एक एपिसोड्स में आप नए नए क्राइम्स को होते हुए देखेंगे, इवन उन क्रिमिनल केसेस को पुलिस किस तरह सॉल्व करती है ये भी इस कंप्लीट वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ लूसीफर्स भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जूझ रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को लूसीफर किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर एंड देती है 10 में 8.1। नंबर 3, कोटा फैक्ट्री सीजन 2। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है टीनेज कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी में आप फिर से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देख पाएंगे जो कि किसी भी तरह से IIT क्रैक करना चाहते हैं और वो स्टूडेंट्स IIT क्रैक करने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि वेब सीरीज में स्टूडेंट्स के लाइफ की डिफिकल्टीज को बड़ी सुंदरता से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर एंड रेटिंग देती है 10 में 8.8।
नंबर टू मुंबई डायरीज 2611 वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों आपको याद तो होगा 2611 होटल ताज पर जो अटैक हुआ था उसके पीछे बहुत सारे हिडन हीरोज थे और उन्हीं हिडन हीरोज को इस बार इस कंप्लीट वेब सीरीज में आपको दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरह हमारे सोल्जर्स ने उस अटैक में अपनी जान गंवाई थी ठीक उसी तरह दूसरी तरफ डॉक्टर्स उन्हें बचाने की भी कोशिश कर रहे थे और इन्हीं डॉक्टर्स के कंप्लीट संघर्ष को इस पूरे वेब सीरीज में बखूबी आपके सामने प्रेजेंट की गई है। वेब सीरीज की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट है। इवन इसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वेब सीरीज रिलीज की गई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड रेटिंग दी है 10 में 8.8। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे कैंडी। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है रुद्रकुंड से, जहां पर अचानक से ही बहुत मिस्टीरियस तरीके से बहुत सारे मर्डर्स पाए जाते हैं। लेकिन इस मर्डर के पीछे असमय क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इवन ये मर्डर्स क्यों हो रहे होते हैं, यही सारी चीजें रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है बूट ओरिजिनल पर एंड रेटिंग देती है 10 में 8.8। वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाई गई है। इवन इसकी एंडिंग आपको बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और एक बार दोस्तों ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।